मेरा हो चुका दिमाग खराब, तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ और विनय को जबरदस्ती लेके जाऊंगा। चेकिंग हो रही भाई विनय की, बम बम तो लेके नहीं आया, बम लेके आएगा तू अपने साथ? नहीं भाई, चेक कर लो भैया इसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो सो के उठ गया हूँ मैं, सो के उठ के देखा तो सिब्बू अपने घर जा चुकी है, विनय आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं हूँ, विनय है, इंस्टा है, मिकी माउस है, मिलवाता हूँ सबसे। ये इंस्टा सो रहा है, ये रहा मिकी माउस और वो विनय सो रहा है। तो गाइस अभी सबसे पहले उठ के तो मैं एक बार शेव और कटिंग करवाने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से ये बाल देख रहे हो, अजीब से हो गए। कल आके मैंने ट्रिम कर लिया था, लेकिन फिनिशिंग तो सैलून पे जाके ही आएगी, तो एक बार सबसे पहले तो कटिंग और शेव करवा के आता हूँ, उसके बाद आपको जो महिंद्रा ने मुझे गाड़ी दी है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो पहले कटिंग वगैरह करा के आता हूँ, फिर आके नहाऊंगा। गाइस सारे प्लान चेंज कर रहा हूँ मैं। भाई मेरे हो रहा है कमर में बहुत गंदा दर्द, मेरा हो चुका दिमाग खराब, तो मैंने भी डिसाइड करा है। मैंने पिछले साल सितंबर में जिम लगवाई थी, एक साल की फीस भी भर के आया था, लेकिन सिर्फ एक दिन गया था। तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ और विनय को जबरदस्ती लेके जाऊंगा। भाई खड़ा हो ले, चल यार, मेरे के पीछे पड़ रहा है। नहीं भाई नहीं यार, क्या फायदा, क्या फायदा जब हेल्थ ही साथ नहीं देगी। भाई मेरी आंखें खुल चुकी है, मुझे वो मिल चुका है ज्ञान, दिव्य दृष्टि आ गई। भाई जिम जाना बहुत जरूरी है यार, मैं तो कब से कह रहा हूं। भाई चल ले, तू कह रहा ना खाना खाना है, मैं कह रहा हूँ एक छोटा मोटा कुछ खा के जिम चल लेते, उसके बाद दबा के खाएंगे। भाई मैं तो फिट हूँ देख। भाई तुझे लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ विनय, तू पता है मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ ना इतना गंदा कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। भाई ये फिटनेस, ये कोई फिटनेस नहीं है भाई, मुझे पता है। चल ले यार प्लीज चल ले, मेरे को कार्ड ढूंढने दे, मेरी जिम का कार्ड कहाँ है? टीवी के पास रखा है। चल गाइज डिसाइड हो चुका है, जिम जाऊंगा डेली, और आप लोग भी मेरे को प्रेशर करोगे जिम जाने के लिए कमेंट्स में कि भाई डेली जिम जाया करो, डेली जिम जाया करो। अगर ऐसी फिटनेस रही ना वीडियोस बना पाऊंगा ना व्लॉग्स बना पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बेड पे पड़ा रहूंगा आराम से। तो आप लोग करो, फोर्स करो मेरे को जिम जाने के लिए। तो गाइज मैं तो रेडी हूँ जिम जाने के लिए, मैं डेली सोचता था जिम जाऊं जाऊं जाऊं, तो मैंने आज भाई फाइनली अपना मूड ऐसा बनाया कि जिम जाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी सो के उठा था यार थोड़ी देर के लिए, बैठा मैं 5-10 मिनट के लिए, मतलब मेरी कमर में इतना दर्द हो गया, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसे हो रहा कि दोबारा सो जाऊं। मगर यार ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो हेल्थ खराब, सब खराब, ना वीडियो बना पाएंगे, करियर खराब, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे भी करके भाई कुछ भी हो जाए विनय जिम जाएंगे, कुछ भी। चल तो रहा हूं भाई, मैंने सोचा था कटिंग वगैरह कराऊंगा, शेव बनवाऊंगा, ये तो बाद में होता रहेगा भाई। लुक्स वगैरह तो हमेशा साथ रहेंगी, हेल्थ साथ रहेगी तभी तो लुक्स दिखाऊंगा, सुंदर दिख के क्या करूंगा जब हेल्थ ही साथ नहीं रहेगी, जब बिस्तर पे पड़ा रहूंगा तो क्या फायदा। चलो भाई चलो चलो चलो, दिमाग में भड़क हो गया आज मेरे बहुत ज्यादा। सितंबर में पिछले साल जब हम यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, जब मैंने जिम की सब्सक्रिप्शन ली थी एक साल के लिए, ठीक है, सितंबर पिछले साल था, अब देख लो मई लग गया है, 5-6-7-8-9 महीने हो गए हैं, एक दिन जिम गया हूँ सिर्फ, 20,000 रुपए फालतू में भर के आया मैं। सितंबर आने में अभी 4 महीने बाकी है ना, इस 4 महीने में वसूलने हैं वो 20,000। बात 20,000 की भी नहीं है यार, बात ये है कि हेल्थ सही होनी चाहिए बस। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जिम में, और ये गाड़ी दी है मेरे को महिंद्रा ने, मेरी गाड़ी गई हुई है सर्विस पे, उस पर थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह का वो अपडेट हो जाएगा उसमें, 1-2-3 दिन जितना भी लगेगा, तब तक के लिए महिंद्रा ने मेरे को ये गाड़ी दी है स्पेशली। तो थैंक यू महिंद्रा इस चीज़ के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए कि वही मेरे को गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो वही गाड़ी भेजी। अब ये गाड़ी देखो 7-सीटर गाड़ी है, बढ़िया लगी भाई भी ना चलाने में मेरे को, डीजल में है ये। अच्छा अपनी एक्चुअली तो उसमें है पेट्रोल में। हाँ ये देख स्पेशियस है पूरी गाड़ी, देख इधर आ, पीछे भाई इसकी ऐसी कैप्टन सीट्स हैं, देख आराम से हाथ वाथ रख के है ना, और अभी ये देख पीछे भी सीट है। टैक्सी वाली गाड़ी लगती थी मेरे को ये, और ये लगता है बिल्कुल टॉप मॉडल है। देख स्पेशियस है, मतलब पूरी 7-सीटर थी मेरे पास, उसके बदले में 7-सीटर दे दी काम चलाने के लिए। अच्छी गाड़ी है वैसे, अगर कम बजट में 7-सीटर एक्सयूवी चाहिए ना तो ये सही है। देख इसका इसका हैंड ब्रेक देख कैसा है, देख वो नहीं होता एयरप्लेन लीवर पूरा, देख है हैंड ब्रेक इसका। तो भाई चलो अभी अपनी नई मराजों में चलते हैं जिम, डिस्क ब्रेक वगैरह सब है इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस एक चीज की कमी है सनरूफ नहीं है। थोड़े दिन बिना सनरूफ के चल लेंगे, क्या हो गया। वैसे जब भी मैं गाड़ी लेता हूँ ना तो मेरे को ये मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि सनरूफ वाली गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को सनरूफ बहुत पसंद है। कोई नहीं, इतने अपनी गाड़ी नहीं आती, इतने काम चल जाएगा। थैंक यू महिंद्रा इस चीज़ के लिए, थैंक यू। हाँ भाई विनय, तुझे क्या लगा कि मैं मतलब वो गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी निकाल ली पाऊंगा? एक बार में निकाल दी, मेरे को लगा नहीं निकल पाएगी, गाड़ी बड़ी है ना इसलिए। अच्छा अपनी क्रेटा थी क्या, छोटी गाड़ी थी, बड़ी नहीं थी, उसके बाद एक्सयूवी ली क्या, वो बड़ी नहीं है, कैसी बात करता है यार तू।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं तेल डलवाने, इस गाड़ी में तेल नहीं है, तेल डलवा के फिर जिम जाएंगे। तो गाइस तेल डलवा लिया हमने, हमने टंकी फुल नहीं करवाई, हमने इस आधी टंकी करवाई है, क्योंकि क्या पता बाई चांस हमने गाड़ी पहले देने पड़ जाए तो हमारा तेल रहेगा ना हमारे पैसों का, तो इसलिए आधी टंकी करवाई। चलो अभी जिम चलते हैं। तो दोस्तों ये है महिंद्रा की मराजो, ये भाई स्क्रीन है, फीचर वीचर रखे हैं सारे। मेरे को तो ये मस्त लगा भाई, ये जो ये है ना ये देख ऐसा लग रहा है प्लेन चला रहे हैं। ओ भाई इसमें स्पेस यहाँ भी दे रखी है स्पेस रखने के लिए सामान। ये भाई इसका देख लो ऐसा ये दिखता है, डैशबोर्ड वगैरह सब देख लो कैसा है, अच्छा AC लगा बढ़िया है। एसी देखो भाई ऐसे दे रखा है पूरा पीछे तक, ये देखो पूरा सेंटर एसी दे रखा है पीछे तक कूलिंग के लिए, ये एसी कंट्रोल करने के लिए दे रखा है। ये क्या है ऐसा, ये वेंट हुआ कुछ पता नहीं भाई, ये पता नहीं क्या है, ये लाइट है। और ये सीट्स देखो भाई, मतलब अगर किसी को बजट के अंदर 7 सीटर चाहिए तो महिंद्रा मराजो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब तक हमारी गाड़ी नहीं आती तो हम इसी अच्छे ऑप्शन से अपना काम चलाएंगे। अभी हम रुके हुए हैं कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, ताकि हमारे पेट में कुछ तो हो जिम जाने से पहले। भाई देखो पहले ना क्या होता था, जो लाइन मेरी बहुत सही आती थी, अब देखो यहाँ से कैसे फैट बढ़ गया है। मेरी भी पहले बढ़िया थी, अब देख ये फैट बढ़ गया है, और ये है जिम ना जाने का नतीजा। ठीक है कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहते हैं, बाहर का खाना और जिम ना जाना सब कंट्रोल करना पड़ेगा। बाहर का खाना भी, बाहर से भी कुछ खाओ तो ढंग का खाओ। पर हमने कुछ दिनों से बाहर का रोक दिया भाई। हाँ वैसे तो हमने बाहर का खाना बहुत कम कर रखा है, अगर बाहर भी कुछ खाते हैं तो हम ऐसा खाते हैं कि ठीक हो खाना, ऐसा फास्ट फूड या जंक फूड ज्यादा नहीं खाते, कभी कभार चल जाता है कभी कभार। और ये जो फैट फिर शेव करवा के कटिंग बनवा के छुपाना पड़ता है ना, ये नेचुरल जो लाइन लेके आनी है, थोड़ा सा पेट भी बाहर आ गया, वो पेट भी अंदर करना है। गाइस वो देखो किसने कैसा हेलमेट लगा रखा, आपको दिख रहा हो तो पांडा हेलमेट लगा के घूम रहा है बंदा बाइक पे। ओ भाई ऐसे कौन करता यार। तो गाइस हम लोग आ गए अपने जिम, ये देखो एनी टाइम फिटनेस, अभी ऊपर चलते हैं और जिम स्टार्ट करते हैं। चले छोटू मोटू चले यार, भाई भी ना बुरा मान जाता यार, छोटू मोटू प्यार से बोला था मैंने, मैं तो बुरा ही नहीं माना भाई। तेरा एक्सप्रेशन, तेरे एक्सप्रेशन था मैं चौंक गया था, क्या बोल रहा है, तेरे एक्सप्रेशन सब बताते हैं, तेरी अखियां दस दिया। गाइस बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके पसीना आ गया है, अभी करूँगा बॉक्सिंग। विनय मेरे से बच के रही हो तुम, सोचिए घुसा के नाक पे मारू तो क्या होगा, फिर ब्लॉग कौन बनाएगा, इसलिए नहीं मारता बस। तो गाइस जिम करके हम लोग आ गए हैं, और भाई ऐसा लग रहा है कि ओ भाई बॉडी बन गई एक दिन में ही जिम करके, बाइसेप्स ऐसे हो गए, ये देखो कैसे पंप आ गया ना बाइसेप्स में, तेरे भी आए और देख। ओ भाई एक दिन में बॉडी बनाना सीखे मेरे से ट्रेनिंग लेके। ये सब बकवास करने से खैर कुछ नहीं होगा, जब तक हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। डेली जिम भाई, प्रॉमिस प्रॉमिस क्या हमारी प्रॉमिस ले गाइस, प्रॉमिस करो आप कि आप डेली याद दिलाओगे जिम के लिए, पंप पुश करोगे। एक तो होता है कि आपने बोला रचित भाई जिम चले जाओ, ऐसे नहीं भाई, जाना है आपको जिम, जाना है कैसे भी करके जाना है, जैसे डेली बोलते हो डेली व्लॉग जैसे डेली जिम। तो गाइस अभी हम आ गए हैं सेक्टर 56 की उड़ा मार्केट में, और अभी हम पी रहे हैं लेमन सोडा। टी शर्ट देख रहा है कितनी ढीली है, बड़ी है मेरी है वो, इसलिए ढीली है, ये टाइट हो जाएगी कुछ टाइम में, अच्छा बॉडी बना लेगा। अरे छोटू और मोटू लेमन सोडा पी के कुछ हेल्दी खाना खा के फिर वापस जाएंगे हम। तो गाइस हम लोग वापस घर आ गए हैं, और ये देखो महिंद्रा की मराजो, अभी महिंद्रा से बात हुई थी शायद हमारी आजकल में गाड़ी मिल जाएगी एक दिन में, और हमारे छोटू मोटू भी ने, आ जाओ भैया आ जाओ, फटो विंडो बंद करो, आ जा जल्दी आ। तो भाई अभी ऊपर जा रहे हैं, और ये हमने मिक्की माउस के लिए खाना ले लिया है, तो चलो गाइस आ जाओ इंस्टा भी मेरे चिपटे का देखना, इंस्टा। क्या हुआ इंस्टू देख रहे हो गाइस, इंस्टा कितना प्यार करता है मेरे से, है ना हड्डी खा रहा है, हड्डी नहीं रबड़ की हड्डी है, ये देखो रबड़ की हड्डी है। इंस्टा तो डेली वॉक पे जाता है सुबह शाम अपने वॉकमैन के साथ, तो हम भी अब जिम जाया करेंगे, चाहे दिन में एक बार क्यों ना जाएं, है ना इंस्टा। बेटा तू तो कर लेता अपनी वॉक है, हमने भी स्टार्ट कर दिया आज, हम जिम गए थे आज इंस्टा। तो गाइस वापिस आ गए थे हम लोग यहाँ पे, और मिक्की माउस की स्पेशल फरमाइश है। हाँ भाई क्या फरमाइश है, मूवी देख रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज
भाई मार्वल्स का बहुत तगड़ा फैन है ये कैप्टन अमेरिका के गांव से है। कौन से गांव से है? मैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गांव से है ये कैप्टन अमेरिका, वहीं से है ना? द न्यूयॉर्क गांव से है तू? नहीं, न्यूयॉर्क तेरा जिला होगा, गांव बता अपना। गांव तो मैं ये बगल से आया था। न्यूयॉर्क इसका जिला है, गांव इसका कुछ ऐसा ही होगा, सराय काले खान। कामरताज तो उसमें है, डॉक्टर स्ट्रेंज के उसमें नेपाल में है कामरताज। इसको बस अपना जिला पता है न्यूयॉर्क, इसको अपना गांव वाव नहीं पता ना कुछ वो पता। गली नंबर क्या है? स्टार्क टावर के पास है भाई इसका घर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने प्लान किया मूवी देखने का, तो अभी हम तीनों जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज देखने। हमारा प्लान था कि पापा के बर्थडे वाले दिन जाना था, पर उस दिन जा नहीं पाए, बहुत लेट हो गए थे। तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज देखने के लिए, और इंस्टा अब यहाँ पे रहेगा अकेला, और ये देखेगा किसी और स्ट्रेंजर को, अगर कोई आया तो भो 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 कर देगा। बाकी गाइस हम लोग जा रहे हैं, चलो तैयार हो लो भाई। तेरे को नहाना है? नहीं, मेरे को नहाना है, मैं नहा लेता हूँ। तेरे को नहाना है? हाँ भाई। यस, स्टॉक टावर के पड़ोसी। यस, जल्दी नहा ले फिर। तो गाइस नहा धो के मैं हो गया हूँ तैयार, और अभी हम तीनों निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज। चले गाइस मूवी देखने। चल हाँ भाई, मिकी माउस मार्वल्स के फैन, चलो। ओ शिट महिंद्र मराजो के पीछे किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, जल्दी से गाड़ी हटवा दो वरना फिर मेरी गोली चल जाएंगी। किसकी है ये? हटवाई से। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं मूवी देखने के लिए, हमारा 11 बजे का शो था, और देखो 10:52 यही हो गई है, सिर्फ 8 मिनट बची है, और यहाँ से थिएटर देख लो कितनी दूर है, 21 मिनट। कैसे पहुंचेंगे भाई टाइम पे, मूवी ना निकल जाए? अबे ऐड आएंगे 10-15 मिनट तो, कोई नहीं। वो एक्चुअली मैं नहाने लग गया था। किसने कहा था नहाने के लिए भाई? ना सुबह नहाया, जिम गया, उसके बाद भी नहीं नहाया, तो फिर नहाना था ना। ब्याह में जा रहा है, अनकंफर्टेबल सा हो रहा था यार, ब्याह में कैसे जाना यार, खुद का भी तो कुछ हाइजीन होता है। अब तेरा नहीं है, मेरा तो है। गाइस अभी ने बिल्कुल नहीं नहाता, ये मोटा छोटा सूगला है, मोटा छोटा सूगला मोटा छोटा है, यही रह गया था सुनने के लिए। अभी तो तेरी तारीफ में और नए नए शब्द ढूंढ के लाऊंगा। ये क्या एंट्री ये है? तो गाइस हम आ गए हैं, अभी गाड़ी वहां लगा दिए, वो देखो एंडेवर के साइड में। चलो भाई लेट हो गए, 11:15 हो गए, 11 बजे का शो था। भाग भाई, बिल्कुल अजीब सा मॉल है, हम तो इनोक्स के नाम पे आ गए क्योंकि इनोक्स अच्छा थिएटर होता है ना, लेकिन मॉल अजीब सा है। ये पार्किंग भी इसकी बहुत अजीब सी थी, बिल्कुल गोल, ऐसे गोल गोल घूम घूम के गाड़ी लगाई हमने। चलो देखते हैं कि थिएटर कैसा होगा। ये हमारे छोटू मोटू आलसी, चलो जी इनोक्स में चेकिंग हो रही है भाई, बम बम तो लेके नहीं आया। बम लेके आया क्या तू अपने साथ? नहीं भाई। चेक कर लो भैया इसे भाई, अभी गार्ड ने भी ना रोक लिया, कह रहा सुसाइड बॉम्बर है ये। कुछ भी पॉपकॉर्न ले लिया भाई, और दो और चार कोक ले ली, मतलब दो कोक ले ली, एक इसने ये देख लो, ये जिम करके आया, ये लोंडा जिम करके आया, कोली भर ली पॉपकॉर्न की, सारा चबा जाएगा। तू नहीं खा रहा भाई? वो शूट नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा खाऊंगा, मैं तो देख इतना सा खाऊंगा, चुल्लू भर सा, लेकिन तू तो दबा के खा रहा, दबा के। कार्टून लग रहा है तो बिल्कुल। थैंक यू। क्या तुमने कभी किसी सपने में अपने आप को एक ऊंची इमारत से नीचे गिरते हुए देखा है स्टीव? वो धक्का मैंने ही दिया था। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वापस घर पे। हाँ भाई कैसी लगी डॉक्टर स्ट्रेंज? मजा आ गया, अलग लेवल। तेरे को भाई छोटे डॉक्टर स्ट्रेंज ये कह रहा, डॉक्टर स्ट्रेंज देख के कि मैं छोटा डॉक्टर स्ट्रेंज बनूंगा, छोटा और मोटा स्ट्रेंज। बढ़िया, ऐसे ऐसे करूंगा मैं। हैं? वोंग। हाँ ये वोंग बनेगा, वोंग। पर भाई उसकी भी हाइट ज्यादा है, वैसे तो पेटलम और मोटा है, हाइट ज्यादा है लेकिन उसकी। गाइज मेरे को तो मूवी ठीक ठाक लगी, मतलब और बेटर हो सकती थी, जो पुरानी एवेंजर्स की मूवी है ना मार्वल्स की, वो ज्यादा मस्त थी, मतलब जैसे 10 में से 9-10 देते हैं ना बाकी मूवीज को, इसको 7 और बेटर हो सकती थी ये बहुत। और भाई थोड़ी सी ड्रामनी भी तो कर दी, हॉरर बना दी, थोड़ी सी नहीं ज्यादा ही कर दी। हाँ तो 3 बार झटके खाया था। हैं? 3 बार झटके खाया था मैं तो। मैंने ये क्या हो गया, 2 बार झटके तो मैंने भी। तो हाइडर फोक। तो चलो गाइस अभी ऊपर चलते हैं, इंस्टा अकेला है, और देखते हैं कि इंस्टा क्या कर रहा है। तो गाइस चलो हम लोग घर पहुंच गए हैं, इंस्टा भी आराम से बैठा हुआ था, हम आए तो हमें देख के बहुत खुश हुआ। चलो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, फिर कल सुबह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, सुबह 10 बजे तैयार रहना, ठीक है? चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।